प्यार में अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है तुम्हें किसी और के साथ देखना, किसी और के बाहों में देखना। मेरे दोस्त, बात यहाँ शक की नहीं है, बात यहाँ हक की है। ज़िंदगी में किसी को उतनी ही जगह देना मेरे दोस्त जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या फिर वो तुम्हें रुलाएगा। एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि ज़िंदगी में जो हमें हासिल नहीं होते हैं ना, बस वही याद रह जाते हैं, वरना ज़िंदगी तो हमें बहुत कुछ देती है। और शायद इसीलिए कहा भी गया है मेरे दोस्त कि समस्याओं को तभी ख़त्म कर देना जब वो बहुत छोटी हो, क्योंकि अगर वो बड़ी हो गई ना तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगी। यदि आप भी अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हो ना मेरे दोस्त, तो ये 5 चीज़ें उनके लिए शायद जिम्मेदार हो सकती है। 1, टालने की आदत। 2, आपका मन आपके काम से बार बार भटकता रहता है। 3, आलस से काम करने में मन नहीं लगता है। 4, फिजूल का खर्च करना। और 5, खुद पर कंट्रोल ना होना और सिर्फ बेवजह का गुस्सा करना। मेरे दोस्त, यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हो ना, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो ये 5 तरीके हमेशा याद रखना, ये 5 पॉइंट अपने ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि जो चीज़ कभी बदली नहीं जाती उसे अपनाना सीखो। 2 में माफ़ करना सीखो और कुछ चीज़ों को भूलना भी सीखो। 3, किसी के काम में दखल अंदाजी ना करो जब तक आपसे पूछा ना जाए। 4, अपने दिमाग को कभी खाली ना रखो, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। और 5, हर रोज़ अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालो। कहने का ये मतलब हुआ कि हर काम के बावजूद भी आप अपने लिए, आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालो और चिंतन करो कि आज आपने क्या किया है, आज आपने क्या सीखा है। इस वीडियो में कही गई बातों से आप जरा सा भी सहमत है ना मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके और वो भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सके। धन्यवाद।